नमस्कार फ्रेंड्स, सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, दिवाली से पहले 60 लाख लोगों के लिए सरकार कर सकती है पेंशन डबल करने की घोषणा। जी हाँ फ्रेंड्स, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के दायरे में आने वाली संगठित क्षेत्र की कंपनियों को अपने कर्मचारी को ईपीएफ का लाभ उपलब्ध कराना होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ईपीएफ में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों की ओर से ना होता है। कर्मचारी की बेसिक सैलरी व डीए का 12-12% योगदान दोनों को करना होता है और कंपनी के 12% योगदान में से 8.33% कर्मचारी पेंशन स्कीम में जाता है। तो फ्रेंड्स, सूत्रों के मुताबिक ईपीएफओ से पेंशनर्स को दिवाली पर बढ़ी हुई पेंशन का तोहफा मिल सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय न्यूनतम पेंशन वृद्धि करने के श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव पर सहमत हो गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव पर सहमति के चलते न्यूनतम पेंशन डबल करने की घोषणा जल्द हो सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, सूत्रों के मुताबिक न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़कर 2,000 रुपये हो सकती है। इस पर ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को 2019 में मंजूरी मिली थी। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की न्यूनतम पेंशन 2,000-3,000 रुपये करने की मांग है। पेंशन दोगुना करने पर सरकार पर 2,2500 करोड़ का बोझ आएगा। इस बढ़ोतरी से करीब 60 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, प्राइवेट सेक्टर की संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को भी रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन का लाभ मिल सके। इसके लिए एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की शुरुआत की गई थी। ईपीएफ स्कीम 1952 के तहत नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के ईपीएफ में किया जाने वाला 12% योगदान से 8.33% ईपीएस में जाता है। तो फ्रेंड, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।